हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं सरकार को, अगर चाहती है कि हवाई फायरिंग गोला बारूद करके लाठी डंडा करके अगर ये आग को दबाना चाहते हैं, बहुत बड़ा भूल है। सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और खास करके जो लगातार 3 महीनों तक नियोजन नीति और राज्य के छात्रों के हक अधिकार के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इसमें दिन रात 24 घंटे जो कंधे से कंधे मिलाकर के जन जन तक और सरकार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जो विगत 23 मार्च 2023 यानी गुरुवार को जो निंदनीय घटना घटा, उस दिन बहुत ऐसे छात्रों के साथ साथ पत्रकार बंधु, महिला पत्रकारों के कुछ झारखंडी महिला पत्रकारों को, कुछ बाहरी पुलिस तंत्र के साथ जो निंदनीय घटना घटा उसका भी निंदा करते हैं। साथ ही साथ बताना चाह रहे हैं कि विगत 23 मार्च 2023 को JSSU झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा आहूत विधानसभा महाघेराव ऐतिहासिक सफल रहा और भारत का इतिहास में ऐसा पहला महाघेराव, ऐसा पहला युवाओं का हुजूम जुटा, ऐसा युवाओं का जनसैलाब जुटा जो आह्वान के मात्र 4 घंटे के अंदर पूरे संपूर्ण झारखंड के कोने कोने से छात्र आए। छात्र अपने हक अधिकार अपना रोजगार मांगने आए, लेकिन विधानसभा के अंदर बैठे बाबू लाट साहेबों ने बदले में क्या दिया, आप लोगों ने बखूबी से देखा। मैं आज पूछना चाहता हूं मीडिया के अंदर, जो अंदर है, हु आर दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट, लेकिन हम लोग का रिप्रेजेंट करना चाहिए, हम लोग से वार्ता करना चाहिए, हम लोग से बात करना चाहिए, लेकिन इन्होंने वार्ता नहीं किया, बात नहीं किया, इतना तक कि किस लिए आए। हम लोग तो शुद्ध छात्र है ना भाई, हम लोग तो कोई उसका विपक्षी राजनीति दुश्मन नहीं है, ये तो इन लोग को इतना 3 महीनों से पता चल गया होगा। हम लोग ने बाकायदे माननीय मंत्री से वार्ता भी मिल कर चुका, इससे पूर्व इससे कई बार हम लोगों ने घेराव कर चुका, हर माध्यम से डिजिटली फिजिकली रूप से आंदोलन करके उन लोग को बताने का काम किया। हम लोग तो कोई उसका विपक्षी दुश्मन नहीं है कि वो हम लोग पे दुश्मनी उतारे, हम लोग तो शुद्ध छात्र हैं, हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, पूरे तमाम राज्यों पे वैकेंसी निकल रहा है, परीक्षा हो रहा है, लेकिन यहाँ एक झारखंड हित में नीति नहीं बन रहा है और नीति की मांग को लेकर क्या रहा है। और हम लोग के पास आते हैं हाथ जोड़ के तो हम लोग उसको माला देते हैं, पानी देते हैं, शरबत देते हैं, और आज राज्य के छात्र उनके पास जाते हैं, उनसे वार्ता करने जाते हैं तो उसको क्रूरता से व्यवहार करते हैं, लाठी मारते हैं, उनको जो है कि आंसू गोला मारते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? इस घटना का जितना निंदा किया जाए कम है। हम बता दें पूरे राज्य के छात्र जिस तरीके से आए अपना हक अधिकार को लेकर के, ये वो दुख तकलीफ दर्द का महरम लाठी डंटा और आंसू का गोला नहीं हो सकता है। जो दुख तकलीफ दर्द के साथ छात्र विधानसभा गए थे उस पे लाठी डंटा और हवाई फायरिंग करके उस दर्द पे महलम लगाने के बजाय हम लोग का जो आग है उस आग में घी डालने का काम किया है सरकार। और हम लोग ने पूर्व ही चेतावनी दे दिया था सरकार को कि छात्र तो दीपक होते हैं और दीपक बन के दुनिया को प्रकाश करना चाहते हैं, लेकिन दीपक को प्रकाश बनकर के दुनिया को प्रकाश बनाने के बजाय ये सरकार मसाल बना दिया था, ये जलने की स्थिति में था। तभी चेतावनी के साथ हम लोगों ने सरकार को कहा था कि सरकार इस दिया रूपी छात्र को, प्रकाश देने वाले छात्र को मत जलाइए मसाल बन के, और देखिए अंततः यह आग पकड़ लिया है। अब ये आग रुकने वाला नहीं है। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं सरकार को, अगर चाहती है कि हवाई फायरिंग गोला बारूद करके लाठी डंडा करके अगर ये आग को दबाना चाहते हैं, बहुत बड़ा भूल है। ये इतिहास गवाह है कि छात्र का जब दीपक को प्रकाश बनाने के बजाय उसको बुझाने का कोशिश किया जाता है तो मसाल बनता है और आगे विकराल आग लेता है, तो ये विकराल आग का रूप ले लिया है। और आने वाले दिनों में मैं पूरे राज्य के छात्रों और नौजवानों
के आह्वान करना चाहता हूं कि अब राज्य के छात्रों का मामला नहीं रहा, अब अभिभावक को भी आगे आना होगा। और जिस प्रकार हम लोगों ने वार्ता करने के लिए, हम लोगों ने हक अधिकार के लिए विधानसभा गए थे और हम लोगों को बदले में वार्ता करने के बजाय गोली लाठी पड़ा, उसी प्रकार अब पूरे राज्य के कोई चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को तो खुले चैलेंज हर चुनौती है। और साथ ही साथ भाजपा आजसू को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन ये दो पार्टी कांग्रेस और जेएमएम को तो खुले चुनौती है कि जिस प्रकार विधानसभा जाने पे हम लोग से व्यवहार किया गया अमानवीय व्यवहार, उसी प्रकार अब जनता के बीच में पूरे राज्य में कहीं भी जाएंगे तो इसका चप्पल के माला से इन लोग का स्वागत किया जाए और इन लोग का सभा को जो है कि विरोध प्रदर्शन किया जाए और पूरे राज्य के युवा जो है कि रोज अपने अपने स्तर में विरोध प्रदर्शन करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।